दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम भारत के एक सुंदर राज्य के बारे में जानेंगे जिसकी खूबसूरती नीदरलैंड को भी टक्कर देती है, जो यहां आने वाले टूरिस्टों का दिल जीत लेती है। दोस्तों यह राज्य हर तरीके से अनोखा और खास है। यहां की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और इसका पुराना इतिहास लोगों के मन में रुचि पैदा कर देता है। यहाँ की संस्कृति, धर्म, व्यवस्था और खूबसूरती टूरिस्टों का दिल जीत लेती है। यहाँ बाहर से आने वाले लोगों के लिए काफी कुछ है, जिसमें से भारत का सबसे बेहतरीन हिल स्टेशन भी आता है। यहाँ पर प्रकृति के ऐसे ऐसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं जिनकी कल्पना सिर्फ दिमाग में ही की जा सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खूबसूरत राज्य तमिलनाडु के बारे में। यह भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में केरल, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी आती है। इसके अतिरिक्त राज्य के उत्तर पूर्व में पांडुचेरी भी मौजूद है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु नीलगिरी और राष्ट्रीय पक्षी पन्ना कबूतर है। दोस्तों तमिलनाडु में स्थित एक उत्तर मेरुल ग्राम है, जहाँ से पल्लव और चोल काल के लगभग 200 अभिलेख मिले हैं। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि चोल मंदिर, महाबलीपुरम के स्मारक, तिरुपुड़ी, नीलगिरी पर्वत आदि को भारत सरकार ने भी विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल किया है। इस राज्य की संस्कृति तमिल को दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक माना जाता है, जिसका इतिहास सिर्फ लिखित तौर पर ही 2000 साल पुराना माना जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि तमिलनाडु भारत का दूसरे सबसे ज्यादा GDP वाला राज्य है। इससे पहले महाराष्ट्र का नंबर आता है। साल 2018-19 में तमिलनाडु का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 229 अरब डॉलर रहा था। दोस्तों यहाँ पर कई राजाओं का राज रहा, जैसे पंडज, पुल्लज और टोल साम्राज्य, जिस वजह से यहाँ के मंदिरों और संस्कृति में अलग अलग रंगों की छटा दिखाई देती है। साथ ही तमिलनाडु में बोले जाने वाली भाषा को तमिल कहते हैं, जिसे आज लोग बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। यही तमिल भाषा श्रीलंका में भी बोली जाती है। तमिलनाडु में रामेश्वरम में स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर अपनी रंग बिरंगी गलियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। साथ ही यह शिव भगवान को समर्पित किया गया है। जलीटट्टू तमिलनाडु का सबसे पुराना और परंपरागत खेल है। यह खेल हर साल पोंगल के त्योहार पर आयोजित किया जाता है। वहीं पोंगल तमिलनाडु का विशेष पारंपरिक त्योहार भी है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित लुलुवरी झरना पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों आपको यह बात शायद ही पता हो कि यहाँ के कड़ाई कनाल में होने वाले फूल नील कुलिंजी 12 साल में एक बार खिलती है, जिसे कुलिंजी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ करीब 410 प्रजातियों के फूलों के पौधे पाए जाते हैं। यह भारत के किसी भी राज्य में फूलों की सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई शहर है और ये शहर यहाँ की सबसे बड़ी सिटी होने का सम्मान भी रखता है। साथ ही यहाँ पर 37 जिले हैं। यहाँ चेन्नई में स्थित एडिनबथोम्स बुक शॉप भारत की सबसे पुरानी बुक शॉप में से एक है, जिसकी स्थापना साल 1844 में हुई थी, जो आज भी सुचारू रूप से चल रही है। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस दौरान तमिलनाडु मद्रास रेजिडेंसी का हिस्सा था। आज़ादी मिलने के बाद मद्रास रेजिडेंसी को विभाजित कर दिया गया, जिसकी वजह से मद्रास एवं अन्य राज्यों का उदय हुआ। सन 1968 के दौरान मद्रास प्रांत का नामांकन तमिलनाडु के रूप में कर दिया गया। साथ ही इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। दोस्तों अगर इस राज्य के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह राज्य कुल 130,058 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। साथ ही इस राज्य की आबादी की बात करें तो यहाँ पर कुल 8,38,00,000 लोग रहते हैं। वहीं इस राज्य की साक्षरता दर महज 81% ही है। दोस्तों तमिलनाडु में भारत का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन ऊटी भी आता है, जिसे दुनिया भर के लोग देखने आते हैं और ये जगह तमिलनाडु में एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो दोस्तों अगर आपको तमिलनाडु की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।